लखादेश, माँ भगवती को लखादेश, रांची वाले भैरव बाबा को लखादेश, आप सभी को आदेश आदेश। जब तंत्र मार्ग में आए थे और शुरुआती साधनाएं हमने शुरू की थी, तो हमारे गुरुजी ने हमें दूसरी महाविद्या तारा की साधना दी। तो हम बड़े रुष्ट हुए, हमने बोला कि हमें तो महाकाल के दर्शन करने में महाकाल की साधना आप दें ताकि महाकाल को प्रत्यक्ष कर। तो गुरु जी ने बोला, देखो जब माँ को सिद्ध करोगे तो बाप जो है ना वो दौड़े दौड़े आएगा। हालांकि तभी ये बोध नहीं था कि महाकाल का दर्शन का मतलब वो अंतिम सीढ़ी होती है आपके जीवन की, उसके बाद जीवन नहीं बचता। तो खैर, गुरु ने एक बहुत बड़ा महामंत्र दिया था, भैरव जी काल भैरव बटुक भैरव स्वर्णाकर्षण भैरव, सबके बारे में हमने कई वीडियो डाले रांची वाले भैरव बाबा के आशीर्वाद से। आज पहली बार त्रिपुरा भैरवी की मैं आप लोगों को साधना दे रहा हूं। त्रिपुरा भैरवी मतलब उपरा डाकनी। भगवती में दो प्रकार की डाकनियों का वर्णन है, एक परा डाकनी जो छिन्मस्तिका है और एक उपरा डाकनी जो कि माँ त्रिपुरा भैरवी है। त्रिपुरा दो प्रकार की 10 महाविद्या में, एक त्रिपुरा सुंदरी जो हृदय में विराजती है और एक त्रिपुरा भैरवी जो कि मूल में विराजती हैं, जो मूल मूलाधार चक्र है उसमें विराजती हैं। त्रिपुरा सुंदरी का कार्य है जो त्रिपुरा है, त्रिपुर जो है, जो तीन लोक हैं उसका पालन पोषण सृजन करना, और त्रिपुरा भैरवी का काम है उसका नाश करना। यही कार्य जो है वो छिन्मस्तिका का भी है, परा डाकनी का, लेकिन वो कब होता है जब महाप्रलय आता है। लेकिन क्षण क्षण में, हर क्षण में, जो क्षण भंगुर ये पृथ्वी है इसका जो अंत होता है ये त्रिपुरा भैरवी के हाथ से होता है। ठीक है, तो ये साधना क्यों करनी चाहिए? जब भगवती के हाथ में सब कुछ का अंत है तो फिर क्यों करना चाहिए ये साधना? भगवती के हाथ में एक विषय और है जिसका अंत होता है, वो होता है कामना का। तो आपके मन में अगर कोई कामना है तो उसको पूर्ण करने की शक्ति अगर किसी भगवती में है तो वो त्रिपुरा भैरवी में है। ठीक है, आपको सिद्ध करना होगा त्रिपुरा भैरवी को। हमने क्या बोला है कि जीवन में 5 शक्तियों को आप पकड़ कर रखिए, ठीक है, और निम्न स्तर की शक्तियों को पकड़ना ही नहीं है। तो देव शक्तियों में अगर आप त्रिपुरा भैरवी की 10 महाविद्या की पंचम महाविद्या जो है उनको अगर पकड़ते हैं तो आपके दिमाग में जो भी विषय आएगा कि मेरे लिए ये पूरा होना चाहिए, वो आपका पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिपुर भैरवी की साधना करते कैसे हैं और क्या उनका मंत्र होगा? सबसे पहले जान लीजिए कि इनका जो साधना है वो आप 41 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। जो अच्छे साधक हैं, जो आलसी साधक हैं, वो 81 दिन में इसको सिद्ध कर लें। ठीक है, टोटल जो जाप की संख्या है जिसमें कि त्रिपुरा भैरवी का जो भगवती का मंत्र सिद्ध होता है वो 10 लाख है। ठीक है, और 10 लाख जाप 41 दिन में करना होता है, मतलब 500 माला रोज। जो सुस्त हैं वो दुगना कर दे और माला को आधा कर दे, मतलब 250 माला पर कर। जो 250 भी नहीं कर सकते हैं वो 121 दिन में पूरा करें, और उसी हिसाब से मालाओं की संख्या को बांट लें। माला की संख्या आप बांट सकते हैं लेकिन नित्य रोज जितना माला आपने सोचा है वो सारा जाप होना चाहिए। अगर रोज का 10 माला सोचा है तो 10 माला होना चाहिए, और जो आपने जो कालखंड सोचा है उसमें चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन मरण किसी का हो जाए, कहीं आप व्यस्त हो जाए, आपको निंद्रा आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपको ये जो जाप है इसको पूरा करना है जितना आपने समय अवधि का संकल्प ले लिया पहले दिन बैठ करके। ठीक है, दूसरा स्थान नहीं बदल सकता है, जिस समय में आप साधना कर रहे हैं वो नहीं बदल सकता है ना। एक विषय इसमें और है, इसमें एक चीज की छूट रहती है क्योंकि राजसिक साधना है। तो मान के चलिए कि अगर 10 लाख जाप करना है उसमें आपको 1 लाख हवन करना होगा, आप 1 लाख हवन नहीं कर पाते हैं। तो 1 लाख हवन नहीं कर पाते तो मैंने क्या बताया है कि हवन का जो फल होता है वो 10 गुना होता है। ठीक है, तो अगर आप 1 लाख हवन नहीं कर सकते तो फिर से आपको पुनः 1 लाख जाप करना होगा, 10 लाख जाप करना होगा।
तो 10 लाख आप जाप कर लेंगे तो आपका हवन भी मान्य होगा, ठीक है। मार्जन मार्जन और तर्पण तर्पण इसमें करना नहीं है, ठीक है। अगला विषय जो जानने योग्य है कि ये एक सात्विक साधना है, मतलब आपको जहां पर आप साधना करेंगे वहीं पर आपको शैया लेनी है, सोना है। भोजन दिन में एक समय कर सकते हैं, अनिवार्य ब्रह्मचर्य का पालन है। ब्रह्मचर्य का पालन इसमें ऑप्शनल नहीं है, अनिवार्य है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि मूलाधार चक्र के को जागृत करने के लिए आपकी ये साधना हो रही है। मूलाधार जागृत होता है तो कुंडलिनी ऊपर की ओर उठने लगती है, ठीक है। और मूलाधार कमजोर होगा अगर आप ब्रह्मचर्य तोड़ेंगे तो, ठीक। और उसके बाद क्या बचता है, भोजन, ठीक है। भोजन ऐसे तो सात्विक होना चाहिए, लेकिन क्योंकि भगवती भैरवी की पूजा भैरव महाराज के अनुसार ही होती है, राजसिक होती है, तो भोजन में आपको थोड़ा बहुत छूट मिल जाता है। लेकिन क्या है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य करना है, इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। रोज एक समय बांध लें, चाहे सुबह का या रात का, स्नान करके साफ सुथरा कपड़ा पहन के, कपड़े अगर लाल हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद एक कम्बल का आसन बिछाएं, ठीक। अगर पूजा पूजा का आपके घर में स्थान है तो उसके तरफ मुख करके, नहीं तो दक्षिण दिशा की तरफ, दो में से कोई भी दिशा आप कर सकते हैं, ठीक है। अपना आसन बिछा ले, आसन की शुद्धि कर ले। पृथ्वी दया धृता लोका देवी तम विष्णु नदृता तम चधारिय मम नित्यम पवित्र गुरु चासनम, ठीक है। ये एक मंत्र है संस्कृत का, ये नहीं आता है तो हिंदी में, या आपका भाषा जो भी है, आपका भाषा बंगाली है, आपका भाषा मराठी है, आपका भाषा गुजराती है, आपका भाषा क्या कहते हैं पंजाबी है, आप जहां के भी हैं, आप अपने भाषा में पृथ्वी से निवेदन करेंगे कि हे पृथ्वी, आप विष्णु को भी धारण करती हैं, आप मुझे भी धारण करें, ठीक है। सामने जो एक यंत्र होता है दश महाविद्या का, उल्टा त्रिकोण वाला, वो रख सकते हैं, या भैरवी माता की तस्वीर रख सकते हैं। ये सिर्फ आपका ध्यान रखने के लिए है कि आपका ध्यान जो है माता भैरवी पे रहे, और उसको जो है काठ की चौकी पर आप स्थापित करेंगे। उसके बाद पंचोपकार पूजा करेंगे, रक्त चंदन लगाएंगे, ठीक है, घी का दीपक जलाएंगे, लाल पुष्प चढ़ाएंगे, लाल फल चढ़ाएंगे, ठीक है ना। और गंध में जैसे भैरवनाथ जी को गूगल का धूप देते हैं, वैसे ही इनको भी गूगल का हम धूप देंगे, ठीक है। एक रुद्राक्ष का माला ले लेंगे। ऐसे भगवती का जाप अगर आप संध्या में कर रहे हैं तो स्फटिक की माला पे जाप करना चाहिए, लेकिन इसमें सुबह या शाम आप जब भी जाप करेंगे तो रुद्राक्ष की माला पे करेंगे। रुद्राक्ष की माला का जो दुर्गा सप्तशती में मंत्र दिया हुआ है उससे पूजा करें, या फिर रुद्राक्ष को बिल्कुल प्रणाम करके धूप दीप दिखा लें, पंच पूजा करें। मतलब क्या, उस पर थोड़ा सा रक्त चंदन लगाए, उस पर एक पुष्प रखे, जैसे आप पूजा करते हैं। देखिए, भाषा के फेर में नहीं पड़ना है, मंत्र का भाषा जो है वो तय होता है, लेकिन आप जो पूजा करते हैं, आप किस भाव से देवता से निवेदन करते हैं, ये आप पर है, ठीक है। इतना करने के बाद पंच पूजा हो गया, माला की पूजा हो गई, तो अपने दाहिने हाथ में जल लेंगे, और अब मंत्र जो है वो सारे संस्कृत में है। इसमें विनियोग भी है, ऋषि आदि योग भी है, कर्ण्यास भी है, हृदय नाश भी है, ठीक है। तो सब करना है हमें, तो सबसे पहले विनियोग करेंगे, हाथ में जल लेंगे और पढ़ेंगे। अस्य श्री त्रिपुर भैरवी मंत्रस्य दक्षिण मूर्ति ऋषि पंक्ति छंदः त्रिपुर भैरवी देवता वाग भौम बीजम शक्ति बीजम शक्ति कामराज कीलकम श्री त्रिपुर भैरवी प्रीत्यर्थे जपे विनियोग बोल के जल को जमीन पर गिरा देंगे, ठीक है। उसके बाद न्यास शुरू करेंगे। ओम दक्षिण मूर्ते ऋषे नमः सिरसी, सिर का स्पर्श करेंगे। दक्षिण मूर्ति मतलब भैरव, जो शिवलिंग का जो दक्षिण मुख होता है उसको भैरव मुख भी मानते हैं, और जो त्रिपुरा सुंदरी है, त्रिपुरा भैरवी है, हमेशा ये कन्फ्यूजन होगा, जाप के समय भी ध्यान रखिएगा, जो त्रिपुरा भैरवी है उनके भैरव जो है वो दक्षिण मूर्ति माने जाते हैं, ठीक है। तो ओम दक्षिण मूर्तये ऋषे नमः सिरसि पंक्तिश्च छंदांसे नमः मुखे, मुख का स्पर्श, श्री त्रिपुर भैरवी देवतायै नमः हृदय, हृदय का स्पर्श, वाग भौम बीजाय नमः गुह्ये, जो टेल बोन है उसका स्पर्श,
शक्ति बीजम शक्तये नमः पादयो, दोनों पैरों का स्पर्श। कामराज कीलकाय नमः नाभो, नाभि का स्पर्श। विनियोगाय नमः सर्वांगे, सर से दोनों हाथ को सर के ऊपर रखेंगे और ऐसे अपने मुख को स्पर्श करते हुए, अपने कंधों को स्पर्श करते हुए, पेट को स्पर्श करते हुए पैर तक ले जाएंगे, ठीक है। फिर कर्ण्यास पे आ जाएंगे, हस्राम अंगुष्टाभ्याम नमः, ठीक है। तो तर्जनी से अपने अंगूठे का स्पर्श करेंगे, हश्रीम तर्जनीभ्याम नमः, तो अंगूठे से तर्जनी का स्पर्श करेंगे। हश्रुम म यमाभ्याम नमः, तो मध्यमा का स्पर्श करेंगे। हश्रयम अनामिकाभ्याम नमः, अनामिका का स्पर्श करेंगे। हश्रम कनिष्ठकाभ्याम नमः, कनिष्ठिका का स्पर्श करेंगे। हश्रः करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, तो दोनों हाथों से एक दूसरे का स्पर्श करेंगे। फिर हृदयादि न्यास करेंगे, हश्राम हृदयाय नमः, हृदय स्पर्श। हश्रिम सिर से स्वाहा, सिर का स्पर्श। हश्रुम शिखाय वसटः, शिखा का स्पर्श करेंगे। हश्रयम कवचाय होम, दाहिने हाथ को बाएं कंधे पे और बाएं हाथ को दाएं कंधे पे रखेंगे, ठीक है। हश्रम नेत्रायै वसट, इसमें जो मध्यमा है उसको त्रिनेत्र पे और अगल बगल की उंगलियों को दोनों नेत्र पे रखेंगे। और हस्रह हस्त्राय फट, तो जो दाहिना हाथ है उसकी तर्जनी और मध्यमा को बाहर निकालेंगे, बाकी तीन उंगली को बंद कर लेंगे। सर के ऊपर से 3 बार घुमाएंगे और जो आपका वाम हाथ है, बायां हाथ है, उस पे 3 बार ऐसे ताली बजाएंगे, तो ये अस्त्र माना जाता है, ठीक है। उसके बाद भगवती का ध्यान करेंगे। हालांकि भगवती का जो निवास है वो हमारे मूलाधार में है, लेकिन जो हम उनका ध्यान करते हैं वो हमेशा अपने हृदय में करते हैं, ठीक है। तो भगवती कैसी दिखती हैं, तो भगवती रक्त वर्णा है, मतलब लाल रंग की है, लाल साड़ी पहनती है, ठीक है, मुंडमाल धारण करती है। जो दाहिना हाथ है एक अभय मुद्रा में है और एक वर मुद्रा में है। अभय मुद्रा मतलब जैसे आशीर्वाद देते हैं, वर मुद्रा ठीक उसका उल्टा होता है। और एक हाथ में जो है भगवती, बाएं हाथ में जो ऊपर वाला हाथ है उसमें जाप माला रखती हैं और नीचे वाले हाथ में वेद रखती हैं। क्यों रखती हैं? क्योंकि भगवती भैरवी ने ही निगम शास्त्र दिया है। जो आगम निगम हम बात करते हैं वो आगम निगम देने वाली भगवती भैरवी ही है। मतलब जो भी कर्म कांड है, जो यज्ञ है, वो सब बताने वाली भैरवी है। और भैरवी को भैरव जी ने पूरा आगम सिखाया, मतलब तंत्र शास्त्र सिखाया, ठीक है। तो यहाँ जो है, इतना जब आप ध्यान कर लेंगे उसके बाद आप जाप के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक। बहुत छोटा सा मंत्र है, इसीलिए 10 लाख जाप बहुत बड़ा नहीं रहेगा। क्या है मंत्र? ओम हस्रिम त्रिपुर भैरवीय नमः, ओम हस्रिम त्रिपुर भैरवीय नमः, ओम हस्रिम त्रिपुर भैरवीय नमः, ठीक है। तो इसका जाप करेंगे, उसके बाद इसका हवन करेंगे। देखिए, हवन में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है, क्या कि ऐसे तो हवन सामग्री दी नहीं गई है, लेकिन भगवती को क्या है कि लाल पुष्प बड़े पसंद है, ठीक है। तो उसमें क्या करना होता है कि आम की समीधा ले लेंगे, जितने प्रकार के आप सुगंधित द्रव्य ले सकते हैं सब उस हवन सामग्री में मिलाएंगे, ठीक है। इसके अलावा लाल फूल उस हवन सामग्री में आप मिलाएंगे। और भगवती को अति प्रिय क्या है? कमल का फूल। अगर कमल का फूल मिल जाए तो बहुत लाभकारी आपके लिए हो जाएगा, मतलब भगवती उससे अति प्रसन्न हो जाती है। तो इतना करने के बाद, ये जब विधान आप कर लेंगे, तो आपको साक्षात भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। ये प्राप्त हो जाएगा, ये कैसे पता चलेगा गुरु जी? तो ये ऐसे पता चलेगा कि आप जो भी मनोकामना मन में रखेंगे वो आपका पूर्ण होगा। इतना ही नहीं, अगर भगवती को याद करके आप किसी को बोल देंगे कि आपका ये काम हो जाएगा आज, तो वो काम 100% होगा। बहुत कल्याणकारी साधना है, आप सभी करें। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है, साधना का शुरुआती विधान सीखना है, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। इसमें जो साधना का शुरुआती आयाम है, जैसे यंत्र मंत्र तंत्र, यंत्र कैसे बनाते हैं, हवन कैसे करते हैं, भैरव जी को सेवा कैसे देते हैं, ये सब मैं सिखाता हूँ।
जिन्हें मेरा आगे का कार्यक्रम जानना या लेख पढ़ना है, www.gurutantrahas पर चले जाएं। जिन्हें मुझसे बात करनी है वो चाहे तो मेरे व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या कॉल बिफर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। रांची वाले भैरव बाबा और भैरवी माँ आप सभी का कल्याण करें, ऐसी मेरी उन सबसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश आदेश।